नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक युवक पर बुलडोजर चलाने और सीधी में पेशाब कांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक दिन पहले राजगढ़ और अब दतिया में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक युवक को कुछ लोग नंगा कर पीट रहे हैं। युवक के गले में कुत्ते का पट्टा डाला गया और उसे भौंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह वीडियो एक साल पहले का बताया जा रहा है, लेकिन बीते दो दिनों से यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक के साथ बर्बरता करने वाले आरोपियों की पहचान झांसी के सिमरा गांव में रहने वाले आनंद यादव और ऋषभ दांगी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि यह दोनों आरोपी पुराने हिस्ट्री सीटर हैं। वायरल वीडियो होने के बाद इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं पीड़ित युवक की पहचान एक मुकदमे के गवाह के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को पहले गवाही के लिए कोर्ट नहीं जाने को कहा था। इसके बावजूद जब पीड़ित गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गया तो आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और दतिया झांसी के बीच किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों आरोपी पुराने हिस्ट्री सीटर हैं और इनके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही राजगढ़ जिले के नंदगांव जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में भी कुछ युवक सरेआम सरेराह एक बुजुर्ग वकील और इसके बेटे की लात घूंसे और बेल्ट से पिटाई करते नजर आए थे। इस वारदात में भी बदमाशों ने वकील और उसके बेटे के कपड़े फाड़ कर उन्हें नंगा कर दिया था। यह वारदात बुधवार दोपहर की है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए राजगढ़ पुलिस ने गुरुवार को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम युवक के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और फिर सीधी में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।